हाय गाइस, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन इन एंशिएंट हिस्ट्री का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में पता होना, जिसके बारे में डिस्कस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके दो कारण है। सबसे पहला तो ये कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वो दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, और दूसरा ये कि इस सिविलाइजेशन को खोजे जाने से पहले ऐसा माना जाता था कि भारत के इतिहास की जो शुरुआत है ना वो हुई है वैदिक एज से, लेकिन ऐसा नहीं है। जब 20th सेंचुरी में इसे खोजा गया, 1920 के आसपास इसकी इसकी खोज हुई थी, तब के जो डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने इसके डिस्कवरी की घोषणा की थी। तो ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी एज ए कॉमन मैन आपको पता होना चाहिए कि भारत के इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप इन वीडियोज की पीडीएफ चाहते हो, अगर आप डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो, और आप एग्जाम रिलेटेड, गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड अपडेट चाहते हो, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन के ऊपर आने से पहले एक जो वर्ड हमने अभी डिस्कस किया सिविलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है ये हमें पता होना जरूरी है। तो सिविलाइजेशन क्या होता है ये हम एक बार देख लेते हैं। तो सिविलाइजेशन मतलब एक ऐसी सोसाइटी, क्योंकि सिविलाइजेशन तो हमने स्टोन एज को नहीं कहा, हमने चालकृत एज को नहीं कहा, हम मौर्यन पीरियड को भी सिविलाइजेशन नहीं कहते। दुनिया में गिने चुने सिविलाइजेशन है, और ये जो सिविलाइजेशन है ना, इसे सिविलाइजेशन कहने के पीछे एक कारण होता है। सबसे पहला कारण तो ये है कि ये जो सोसाइटी होती है, वहां के जो लोग होते हैं, उनका जो कल्चर होता है ना वो हाईली डेवलप होता है, और वो अपने तरीके का होता है, वो किसी से कॉपी नहीं करते, और उनका जो वे ऑफ लाइफ होता है वो भी काफी डिस्टिंक्ट होता है। तो इसीलिए इसे सिविलाइजेशन कहा जाता है। और जो सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 4000 BCE में, और दुनिया का सबसे पहला जो सिविलाइजेशन है वो इंडस वैली ही है, जिसकी शुरुआत अराउंड 4000 BCE के आसपास ही हुई थी। चाइना में सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। सेंट्रल अमेरिका का जो सिविलाइजेशन है वो 1500 BCE का है, जिसे आप माया सिविलाइजेशन के नाम से जानते हो। तो सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि सिटीज जो एडवांस होती है, स्पेशलाइज वर्कर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग, एडवांस सिविलाइजेशन। तो ये जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल चल रहे हो सिविल सर्विसेज में, तो आपके लिए जानना जरूरी है, लेकिन आपके लिए बस यहाँ पे इतना जानना जरूरी है कि सिविलाइजेशन क्या होता है। तो अ सोसाइटी विच हैज इट्स ओन हाईली डेवलप्ड कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सिविलाइजेशन। तो हमने सिविलाइजेशन को देखा, अभी हम लेक्चर को, मतलब हमारा जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। वेट फॉर मिनट। लेकिन तो सिविलाइजेशन, अभी इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है ये सवाल है। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है ये भी एक सवाल है। तो उसका कारण ये है कि इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके प्रोफाइल में, मतलब उस एरिया में ही इसके ज्यादातर साइट्स मिली है, इसीलिए उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। और इसका एक और नाम है ब्रॉन्ज एज कल्चर। तो ब्रॉन्ज एज या फिर ब्रॉन्ज एज कल्चर इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो लोग थे ये ब्रॉन्ज का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, ये आयरन का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि वो आयरन उन्हें पता ही नहीं था, ठीक है, आयरन जो है वो बाद में आया, लेकिन ब्रॉन्ज जो है इसका वो इस्तेमाल ज्यादा करते थे, इसलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। और एक कंटेम्पररी था इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो 3rd सेंचुरी या फिर 3rd मिलेनियम BCE में है। अभी ये जो सिविलाइजेशन है ना ये तीन फेज में डिवाइड होता है। एक अर्ली फेज, जो मतलब जहां पे उसकी डेवलपमेंट हो रही थी। सेकंड है मैच्योर फेज, जो 2600 BCE से 1900 BCE में जो मेन जो सिविलाइजेशन है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, मैच्योर सिविलाइजेशन, वो है 26 से 1900 BCE के मतलब बीच में। और लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कोइंसाइड करता है, जो ओवरलैप करता है वैदिक एज से। तो ये जो सिविलाइजेशन था वो कहां से कहां तक था, लोकेशन इंपॉर्टेंट है ना। तो अफगानिस्तान से लेके वेस्टर्न यूपी, ये जो पूरा एरिया था इस एरिया को इसने कवर किया था, मतलब कि ईस्टर्न इंडिया में या फिर सदर्न इंडिया में सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हुआ था। ये सिविलाइजेशन था आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वेस्टर्न यूपी तक का जो पोर्शन है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात का कुछ पार्ट्स, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में भी इसकी कुछ साइट्स मिलती है। तो इतना क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपको हेल्प करेंगे किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए। अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आए ये हमें जानना जरूरी है, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की पढ़ाई करो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो वो जानना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें दो तरीके से मदद करते हैं। सबसे पहले तो हमें ट्रेंड पता चलता है कि एग्जाम में सवाल किस तरह से आते हैं, और दूसरा उस हिसाब से फिर हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या और कैसे क्वेश्चन आए हैं, जिससे हम इस टॉपिक को समझने में आसानी हो सकती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो 2017 का है, इस क्वेश्चन का कहना है कि मतलब यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया है बेसिकली, जो ऋग्वेदिक आर्यन से और इंडस वैली पीपल इनके बीच में यहाँ पे डिफरेंस जो है वो
करके स्टेटमेंट आए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि ऋग्वेदिक आर्यन जो है वो मेल और हेलमेट, मेल कोट ऑफ मेल और हेलमेट का यूज करते थे वॉरफेयर में, लेकिन पीपल ऑफ इंडस वैली जो है उन्होंने ऐसे कोई एविडेंस छोड़े नहीं। ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि ऋग्वेदिक आर्यन जो है वो गोल्ड और सिल्वर और कॉपर का इस्तेमाल करते थे, मतलब उन्हें वो पता था, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिर्फ कॉपर और आयरन के बारे में पता था। ऋग्वेदिक आर्यन जो है उन्होंने हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट किया था, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग है वो उन्हें हॉर्स पता ही नहीं था। अभी इसके ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है उसके ऊपर। अभी इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, आप इस पूरे कोर्स को देखिए, इसका आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए अभी क्वेश्चन किस तरह से आया, तो फीचर्स के ऊपर सवाल आए, इसलिए क्वेश्चन लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि फीचर जो है ना वो इंपॉर्टेंट है और ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। तो इसलिए हम इस टॉपिक को फीचर वाइज कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है काफी आसान सा सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रिप्रेजेंटेटेड ऑन सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हरप्पन कल्चर। तो काउज, एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर्स। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है। अगर आपने पढ़ा है तो काफी आसान है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो लोथल जो एक साइट है, हरप्पन साइट, तो देखिए अभी यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि आपको साइट्स के ऊपर भी फोकस करना है, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का स्टडी करना, एनालाइज करना जरूरी हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का है, इट वॉज प्रीडोमिनेंटली सेक्युलर सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को सेक्युलर सिविलाइजेशन कहा गया, कहा इन्होंने, एंड रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत, ये आप खुद बता सकते हो कोर्स देखने के बाद। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। दो स्टेटमेंट है, इसमें से सही क्या है गलत क्या आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन कुछ हमने डिस्कस किए, इन क्वेश्चन को देख के आपको पता चल सकता है कि हमें पढ़ना किस तरीके से, क्या पढ़ना है, क्या ट्रेंड है, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड जो हर साल बदलता रहता है, लेकिन फिर भी हम प्रीड तो कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो चलिए फिर अभी मैप देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे मैप आप देख सकते हो कि ये जो एक्सटेंड है सिविलाइजेशन भाई कहाँ से, देखिए ये जो है ये पाकिस्तान है, ठीक है, और यहाँ पे वेस्टर्न यूपी का पोर्शन, लेकिन इधर इस एरिया में और सदर्न इंडिया में ये सिविलाइजेशन की कोई भी साइट आपको देखने को नहीं मिलती। ये अर्ली फेज है सिविलाइजेशन का, 3300 बीसी से लेकर 2600 बीसी के आसपास। तो यहाँ पे ज्यादातर साइट जो है वो इंडस बेसिन में ही है, उसकी ट्रिब्यूटरीज, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया है। तो नेक्स्ट मैच्योर फेज 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी, ये मैच्योर फेज है। मोहनजोदारो जो है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट है। अभी इसका एक्सटेंड जो है, कुछ साइट जो ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न एरिया जो ये जो कल्चर है, मालवा कल्चर, जोधपुर गणेशो कल्चर, ये आगे चल के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है वैदिक पीरियड में। ये कुछ साइट्स है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट एक इतना एरिया जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर किया था जब वो अपने पीक पे था। ओके, सो डिस्कवरी ऑफ सिविलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, डिस्कवरी ऑफ सिविलाइजेशन। अभी देखो इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी, तो 1826 में। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो 20th सेंचुरी में हुई थी, लेकिन शुरुआत जो है ना वो 19th सेंचुरी में हो गई थी। चार्ल्स मैसन नाम से एक सिविल इंजीनियर था, ये पंजाब में रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा था, वेस्टर्न पंजाब में। तो इसे कुछ एविडेंसेस या फिर इसे कुछ रिमेन्स मिले थे, जैसे कि पॉटरी हो गया, टेराकोटा फिगरिंग्स हो गया। तो लेकिन इसे ये नहीं पता था कि ये एक कोई सिविलाइजेशन होगी, तो इसने ज्यादा ध्यान दिया नहीं। लेकिन बाद में जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, मिस्टर कनिंगम, इन्होंने तो एक पूरी रिपोर्ट ही बना दी इस सिविलाइजेशन के ऊपर। इन्होंने काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन किया, एक्सकवेशन किया, लेकिन ये भी इन्होंने गलती कर दी कि इनको लगा कि ये ठीक है, किसी मतलब किसी और हिस्ट्री या फिर किसी और हिस्टोरिक पीरियड का ये होगा। इसको ये नहीं पता था कि इतना ज्यादा ये एंटिक होगा, मतलब जो एविडेंसेस या फिर जो रिमेन्सेस मिले थे, जैसे कि टेराकोटा फिगरिंग्स हो गया, सील्स, पॉटरीज, तो ये फेल हो गया टू परस्यू टू एंटिक्विटी ऑफ दिस मटेरियल्स। इसलिए जो क्रेडिट जाता है वो जाता है जॉन मार्शल को। इसने एक्सप्लोरेशन तो किया था, लेकिन ये उसे उस टाइम पीरियड में रख नहीं सका, ये नहीं पता लगा सका कि ये दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है। तो खोजने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है जॉन मार्शल को। ये डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1920s में। तो दयाराम साहनी जो एक्सप्लोरर थे, उन्होंने और आरडी बनर्जी ने मिलकर दो इंपॉर्टेंट साइट्स हरप्पा और मोहनजोदड़ो को खोजा था, और जॉन मार्शल ने फिर डिक्लेयर कर दिया था कि हमने एक नई
सिविलाइजेशन जो है खोजी है ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग्स लाइक सील्स, पेंटेड पॉटरी, टेराकोटा फिगरिंग्स एंड एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आपका ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और हरप्पन सिविलाइजेशन का, हरप्पन सिविलाइजेशन की खोज होती है। तो ये तो हुई डिस्कवरी, अभी इसके फीचर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको हम अभी देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो फीचर्स है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसके बाद फिर हम इकोनॉमिक जो इनकी लाइफ थी, जो सोशल लाइफ थी, जो पॉलिटिकल लाइफ थी, इसको डिस्कस करेंगे, और कुछ ट्रिवियल जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट जब आएगा तो मतलब पार्ट बाय पार्ट हम इसको डिटेल में कवर करने वाले, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। सबसे पहला फीचर तो है कि इंडिजिनस था इन ओरिजिन, अभी ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा मुझे मैक्स मुलर जैसे कुछ हिस्टोरियंस है उनका कहना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों ने बनाया है, लेकिन ज्यादातर जो थेरीज है अभी जो डिस्कवरीज हुई है वो भी यही प्रूफ करती है कि ये इंडिजिनस इन ओरिजिन है। तो सबसे पहला फीचर तो ये हो गया, ज्यादातर मतलब 70-80% अभी तक प्रूव हो चुका है कि ये इंडिजिनस इन ओरिजिन है, मतलब देसी है, यहाँ के लोगों ने इसे बनाया है, इन्होंने कहीं से कुछ उधार नहीं लिया ना कहीं से लोग बाहर से आए थे। सेकंड पॉइंट है अर्बन सिविलाइजेशन, अभी अर्बन सिविलाइजेशन ये है लेकिन ये दुनिया का पहला अर्बन सिविलाइजेशन है, दुनिया का पहला, इंडिया का तो ऑब्वियसली पहला होगा ही, और ये काफी बड़ी बात है। 24,000 BC मतलब आज से लगभग 6,000 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते कि अर्बन सिविलाइजेशन होगी, और वो भी इतनी प्लान। ओके, तो महाजन पदार्थ के टाइम पे सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ था, और थर्ड अर्बनाइजेशन जो है वो अकबर के टाइम पे हुआ था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अर्बन सिविलाइजेशन है वो दुनिया का पहला ऐसा सिविलाइजेशन है जो अर्बन था और सबसे पुराना भी है, एक इवॉल्व सोसाइटी। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि इवॉल्व सोसाइटी थी, क्योंकि इवॉल्व सोसाइटी वो होती है जहाँ पे मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट होते हैं, मतलब आपकी बेसिक इवॉल्व बेसिक जो नेसेसिटीज है वो पूरी हो जाने के बाद आप अम्यूजमेंट के लिए क्या क्या करते हो, इसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि वो सोसाइटी जो इवॉल्व थी, क्योंकि यहाँ पे आपको टॉयज के रिमेन्स मिले, चेस मिले, मतलब लोग काफी ज्यादा मतलब है ना, चेस तो कोई भी नहीं खेल सकता, कोई मतलब खेल सकता है लेकिन कोई भी तो नहीं खेलता ना चेस, तो काफी ज्यादा इवॉल्व सोसाइटी थी, लिटरेट थी ऑब्वियसली, लिखना वो जानते थे, हाँ वो अलग बात है, हम उनकी जो उन्होंने लिखा है वो उसे हम अभी तक डिसिफर नहीं कर पाए, लेकिन लिटरेट सोसाइटी थी और वो भी 6000 साल पहले। यूटिलिटेरियन आउटलुक था, नाउ व्हाट इज मीन बाय यूटिलिटेरियन आउटलुक, तो यूटिलिटेरियन आउटलुक था मतलब कि उनका जो फोकस था ना वो रोड्स, वेल्स, मतलब जो काम की चीजें होती हैं, जैसे कि वेल्स तो इंपॉर्टेंट है, रोड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लाइट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनके ऊपर उनका ज्यादा फोकस था, काफी समझदार लोग थे। मटेरियल कल्चर एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो वेल डेवलप था, एक्सटेंसिव एरिया कवर्ड एज मेंशन बिफोर। नेक्स्ट प्लांट सिविलाइजेशन था, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 7,000-6,000 साल पहले भी वो प्लानिंग करके काम करते थे, हम आज भी नहीं करते हैं। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो काफी अच्छी थी, ओपन डेफिकेशन नहीं था, हमें ओपन डेफिकेशन नहीं था, हमें आज स्कीम चलानी पड़ रही है ताकि ओपन डेफिकेशन न हो, और वो लोग तब जानते थे कि ओपन डेफिकेशन गलत है। वेल प्लान ड्रेनेज था, सब कुछ अच्छा था, मतलब प्लान सिविलाइजेशन थी। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आगे हम इस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, उनके घर जो होते थे ना और जो रोड होते थे वो एक दूसरे वो एक दूसरे को ऐसे काटते थे, मतलब यहाँ पे घर होंगे, इधर घर होंगे इस तरह, और यहाँ से रास्ता आएगा, यहाँ से रोड आएगा, तो इस तरीके से काफी ज्यादा प्लान, मतलब ग्रिड नेटवर्क में इनके जो घर थे वो बनाए गए थे, मतलब कितनी प्लानिंग से उन्होंने सिटीज बनाई थी, ये हमें यहाँ से पता चलता है। मल्टी क्लास सोसाइटी थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था कि आर्टिसन थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, मतलब मल्टी क्लास सोसाइटी थी, मल्टी इथनिक भी सोसाइटी थी। उनकी जो सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी थी, मतलब खाने पीने का शौक काफी अच्छा था, डाइवर्सिफाइड सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी थी, इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक तरीके का खाना नहीं खाते थे, वो ग्रेन्स के एविडेंसेस मिले हैं, एनिमल्स बोन्स इनके भी रिमेन्स मिले हैं, फॉसिल्स ऑफ फिशेस, मतलब कि खाने पीने की कुछ कमी नहीं थी, और इसीलिए सोसाइटी जो थी वो इवॉल्व थी और डेवलप थी। अभी आयरन जो है वो इतना ज्यादा उन्होंने मतलब पता ही नहीं था, आयरन से वो अननोन थे, स्टोन बिल्डिंग मिली नहीं है, जितनी भी उन्होंने बिल्डिंग बनाई वो सारी की सारी ईंटों से बनाई है, बेक्ड ब्रिक्स, और टेम्पल्स जो है वो मिले नहीं है, तो इसलिए कहा जाता है कि मर्चेंट डोमिनेट सोसाइटी।
और हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें पूछा गया था कि वो एक सेकुलर सोसाइटी थी, तो यहाँ से हम उस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। हॉर्स वॉज अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल, ये मतलब कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कुछ किताब में, जैसे कि उपिंदर सिंह हो गया, उसके बाद टोमिला थापर, तो इनमें अलग अलग कॉन्ट्रेडिक्टरी व्यू पॉइंट है, लेकिन ज्यादातर यूपीएससी का मानना है कि हॉर्स नहीं पता था। आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, उसमें हॉर्स दिखाया गया है लेकिन बेसिकली हॉर्स नहीं था, यूपीएससी का कहना है। हमें यूपीएससी देनी, हमें एग्जाम पास करनी है, तो फिर हमें यूपीएससी का ही मानना पड़ेगा कि हॉर्सेस वॉज अननोन टू दिस पीपल। ओके, सो ये था आज के लेक्चर में। आज हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को बस इंट्रोड्यूस किया है और कुछ उसके कुछ फीचर्स देखे। कलम जी उसकी थ्योरी जो रिगार्डिंग ओरिजिन जो कंट्रोवर्स है उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके अलग अलग जो डायमेंशन है पॉलिटिकल सोशल उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग।